नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। अंगूठे के निशान नहीं आने से बिल नहीं बन पा रहे हैं किसानों के। जी हां, एक तरफ कोरोना महामारी से बचने के लिए किसान की फसल खरीदने के लिए थंब से रजिस्ट्रेशन के बजाय ओटीपी अनिवार्य किया था। कोरोना महामारी से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसान की फसल खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन के समय किसान का मोबाइल ओटीपी अनिवार्य किया गया था, लेकिन समस्या तब खड़ी हो गई जब किसान की फसल खरीदने के बाद बिल बनाते समय अंगूठा निशानी अनिवार्य किया गया। ऐसा ही एक मामला आज खरीद केंद्र क्रय विक्रय रामगढ़ पर आया, जहां किसान दिलीप यादव का रजिस्ट्रेशन तो जरिए हुआ, लेकिन अब बिल बनाते समय अंगूठा निशानी नहीं आने से किसान का बिल नहीं बन पाया। क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन पूरण चौधरी ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार जिला अलवर राजस्थान, हमारे यहाँ क्रय विक्रय पे जो सरसों और गेहूँ MSP पे खरीद की जा रही है, उसमें बहुत बड़ी समस्या बिलों में आ रही है, क्योंकि पहले राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आदेश की प्रति भी यही है और आदेशों के अनुसार सभी ई मित्र पे या हमारे ऑफिस में सभी जगह जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो बिना थंब के हो रहे हैं, सारे OTP आता है, OTP से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। उनमें भी कुछ समस्याएं ऐसी आ रही हैं कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके मोबाइल नंबर जुड़े हुए नहीं हैं, उन पर रजिस्ट्रेशन में परेशानी आ रही है। राजस्थान सरकार के आदेश थे कि किसानों की जो फसल है उसको अब की बार बिना थंब के और बिना टोकन के लिए जाएंगे। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दो, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपके पास मैसेज आएगा और मैसेज के आधार पर आपका अनाज खरीदा जाएगा। लेकिन किसानों ने अनाज मंडी में तुलवाने के बाद 3-4 दिन बाद किसानों के पास मैसेज आया कि आप अपना निशान अंगूठा लगाओ, उसके बाद आपका पेमेंट होगा, भुगतान होगा। जबकि राज्य सरकार के आदेश थे कि ये कोरोना महामारी के कारण, वैश्विक महामारी के कारण किसानों को ये रियायत दी जाएगी कि थंब लगाने के कारण संक्रमण फैल सकता है।